देखिए आज की क्लास में हम लोगों को ये देखना है कि हम इनवाइस का फॉर्मेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई भी इनवाइस बनाते हो ना, उसमें कुछ कॉलम पहले से रहते हैं। जैसे मान लो ट्रांजेक्शन में हम सेल्स में जाते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये, अगर आप इसको यहाँ से प्रिंट करते हो, सेल इनवाइस पे क्लिक करते हो और यहाँ से प्रीव्यू पे आप चेक करते हो, तो कुछ कॉलम जो पहले से बने बनाए हैं, जैसे सीरियल नंबर का कॉलम है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का है, एचएसएन कोड है, क्वांटिटी है, यूनिट है, लिस्ट प्राइस है, डिस्काउंट है, प्राइस है एंड अमाउंट, ये बाय डिफॉल्ट, ये फॉर्मेट क्या है, ये बाय डिफॉल्ट आपका आ जाता है। इसके अलावा अगर आपको बीच में कोई कॉलम बढ़ाना है, जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ एमआरपी का कॉलम आ जाए या अल्टरनेट यूनिट का कॉलम आ जाए, ठीक है, या कोई भी कॉलम अगर आपको अलग से ऐड करना हो, तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इस इनवॉइस के फॉर्मेट को डिजाइन करना पड़ेगा। वो कहाँ से डिजाइन होगा, ध्यान से देखिए। उसको डिजाइन करने के लिए आपको जाना है सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में, और फिर आपको जाना है इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में, स्टैंडर्ड में, ठीक है। स्टैंडर्ड में जाके आपको करना होगा ओके, और ओके करने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा सेल इनवॉइस, और फिर करना होगा यहाँ से सेलेक्ट। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेल्फ कॉन्फ़िगर, सेल्फ कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करेंगे तो नई विंडो आपके सामने आएगी, ठीक है। देखो जो इनवॉइस की विथ होती है वह आपका जो है 136 पिक्सल की होती है, यानी टोटल इनवाइस की जो चौड़ाई है वो 134 पिक्सल की, उसी में आपको कॉलम बनाने, बात समझ आ रहा ना। जैसे मान लो कोई जमीन है हमारे पास, उसकी चौड़ाई 30 फिट, तो आप चाहे 10-10 फिट के 3 कमरे निकालिए और चाहे 15-15 के 2, चौड़ाई तो फिक्स ही है, उतना ही निकलेगा। वही वही इसका भी है कि जो कॉलम की विथ होती है, जो इनवाइस की टोटल विथ होती है वो 136 पिक्सल होती है। जैसे देखो यहाँ पे नीचे दे रखा है 136 पिक्सल। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो दे गई हैं, और फिर उसके सामने उसका साइज दे रखा है। जैसे हम सीरियल नंबर को 4 पिक्सल में प्रिंट करेंगे, हम आइटम के नेम को 27 पिक्सल में प्रिंट करेंगे, हम एचएसएन कोड को 11 पिक्सल में, इस तरह सारे पिक्सल जुड़ेंगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 136, ठीक है। उसी हिसाब से इसको डिजाइन ही किया गया है। तो जैसे मान लो कि आपको एमआरपी लाना है, तो आपने एमआरपी के कॉलम पर आए और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 6 भर दिया, आपको लग रहा है कि एमआरपी लगभग जो है 6 पिक्सल में आ जाएगा। अब 6 जब आप यहाँ करेंगे तो यहाँ बढ़ के कितना हो जाएगा, 142, क्योंकि टोटल पहले कितना था, 136, आपने 6 यहाँ बढ़ा दिया तो हो गया इसका कितना, 142। अब 142 होने के बाद आपको कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलो आइटम के नेम को थोड़ा सा हमने कम कर दिया, 26 कर दिया, एचएसएन कोड की थोड़ी सी विथ हमने कम कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है। इस तरह से हर जगह थोड़ा थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सीजीएसटी का अमाउंट था 10 था, तो इसको हमने कर दिया 9। एसजीएसटी का अमाउंट भी कितना था, 10 था, जिसको हमने कर दिया 9। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो इनवॉइस के फॉर्मेट में, डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब 137 हो गया, इसको हम कर देंगे 13, तो हो जाएगा कितना, 136। इससे क्या फायदा मिलेगा, इस पे एमआरपी भी हमारा प्रिंट होके आने लगेगा। तो जो चीज आपको चाहिए, मान लो आपको पैकिंग यूनिट चाहिए, तो पैकिंग यूनिट के सामने आप एक फिक्स विथ रख दीजिए, 4 पिक्सल का, 6 पिक्सल का, तो इनवॉइस में पैकिंग यूनिट भी आपका शो होने लगेगा, ठीक है। पैकिंग क्वांटिटी चाहिए तो आप उसको भी कर सकते हैं, अल्टरनेट क्वांटिटी चाहिए, जिसके सामने 0 है वो इनवाइस में जगह नहीं लेगा और वो प्रिंट होके नहीं आएगा। जिसके सामने आप कोई वैल्यू दे देंगे, उतनी ही चौड़ाई उलेगा अपने कॉलम। तो इसको हमने कर दिया, और करने के बाद इसको हमने कर दिया यहाँ पे ओके, और ओके करने के बाद हमने कर दिया यहाँ से सेव, और यहाँ से हमने कर दिया क्वाइट बाहर निकलना। अब हम दोबारा आते हैं यहाँ से सेल्स वाउचर में, और सेल्स में आने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज करो B2A, ये इनवाइस के हिसाब से हम लोग करते हैं, तो ये जो सेल हुआ है वो कैश में सेल हुआ है,
तो किसमें जाएगा? बी टू सी में। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे आइटम पर जीएसटी कितना है, 18%। हम सेलेक्ट कर लिए 18%। पार्टी का नेम हो गया गैस, लेकिन यहाँ पर बिल पे जो नाम प्रिंट है वो नाम दे रखा है मुकेश कुमार शर्मा के नाम से, तो ये नाम हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, मुकेश कुमार शर्मा। ठीक, एड्रेस पूछा जा रहा है, हमने भर दिया, रामकोला रोड पटरौना कुशीनगर। स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और भरने के बाद हमने इसको कर दिया सेव। नेम ऑफ आइटम ने सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे केस में जो आइटम का नाम है बाटा मीन्स ये अलग सूज, हमने यहाँ पे वन पेयर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे साइज पूछा जाएगा, हमने साइज वगैरह सब सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, रेट पूछा जाएगा, हमने 1200 का रेट भर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई टैक्स वाले ऑप्शन पर कर दिया क्लिक। अब इसको हमने किया सेव। अब यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पर करेंगे यस। अब यहाँ पे हम प्रयोग चेक करेंगे, तो अब आप ध्यान देंगे यहाँ एमआरपी का कॉलम भी ऑटोमेटिक आ गया। अगर इस आइटम का एमआरपी भरेंगे तो एमआरपी यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट। ठीक है, अगर एमआरपी का कॉलम भरा जाएगा तो यहाँ एमआरपी भी प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा ना, बस आपको ये ध्यान देना है इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है, 136 पिक्सल। आपको उसी हिसाब से नए नए कॉलम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब देखो एमआरपी का कॉलम आपको बहुत पतला दिख रहा है, थोड़ा सा इसकी भी बढ़ाने की जरूरत लग रही है ना, और क्वांटिटी बहुत ज्यादा दे रखा है, क्वांटिटी को इतना स्पेस नहीं चाहिए, प्राइस को भी इतना ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, तो ये सब प्रॉपर आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप क्वांटिटी का थोड़ा सा कम कर दें और प्राइस का थोड़ा सा कम कर दें, और बढ़ाएं किसमें, एमआरपी में और यूनिट में। ये सब करने के लिए आपको स्क्रिप्ट से वापस जाना है। ठीक है, हम वापस आ गए कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद स्टैंडर्ड में आ गए, और आने के बाद सेल इनवाइस। सेल इनवाइस पे आने के बाद सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो नई स्क्रीन आ गई हमारे सामने। एमआरपी 6 था, बहुत कम लग रहा था, इसको हमने बढ़ा के कर दिया 10 कर दिया, हो गया। और उसके बाद हमारा कौन सा कॉलम हो जाता था, क्वांटिटी का ना, 8 की बजाय इसको कर दिए 6, और यूनिट यूनिट कम था, प्राइस प्राइस का थोड़ा सा कम कर दीजिए, इसको कर दीजिए 135 हो गया। अभी एक हम और बढ़ा सकते हैं, तो एचएसएन कोड का जो है थोड़ा सा कम लग रहा था, 11, इसको इतने पे करिए सेव। एक बार आपको सेटअप बना लेंगे, इनवाइस का फॉर्मेट एक बार बना लेंगे, तो रोज रोज चेंज करने की जरूरत आपको नहीं। हम वापस आते हैं, सेल्स की लिस्ट निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर वापस आते हैं, और वापस आने के बाद ठीक इस बार इस आइटम को अल्ट एम से मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद इस पर एमआरपी भी यस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एमआरपी इस पर मेंटेन नहीं हो पाएगा क्योंकि बैच वाइज का फीचर पहले से इनेबल है, एमआरपी नहीं हो पाएगा इस पर। उसके बाद हम इसको करते हैं सेव, यस करते हैं, और यस करने के बाद हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन को करते हैं चेक। ये देखो अब यहाँ पे देखो एमआरपी के लिए पर्याप्त जगह मिल गया है। इस तरह से फॉर्मेट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, फॉर्मेट को हम टोटल क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। बात समझ आ रहा ना, और किसी इनवाइस में दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, सेल इनवाइस में किसी में कोई दिक्कत हो, कोई चीज ना समझ आ रहा तो पूछ लीजिए। हाँ, इसमें
जब देखिए आप जैसे मान लो कोई भी एंट्री कर रहे हैं आप, ठीक है, यहीं से प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद से इनवाइस सेलेक्ट करिए और यहाँ प्रीव्यू का बटन आपको दिखाई बटन नहीं दिख रहा है, देखो तब यहाँ प्रिंटर आपको सही सेलेक्ट नहीं होगा। नीचे आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ले लीजिए, तब आएगा। यहाँ प्रिंटर ड्राइवर में देखेंगे ना, ये सही सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, इसको आप सही सेलेक्ट कर लीजिए, तब प्रीव्यू आपका आने लगेगा। जब प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, सेल इनवाइस पर जाएंगे और यहाँ प्रिंटर ड्राइवर में आप सेलेक्ट करिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, या जो ये रियल प्रिंटर इंस्टॉल होगा उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रियल प्रिंटर तो कोई है नहीं, यही सेलेक्ट करिए, उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इनवाइस का पूरा प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पीडीएफ वाले ऑप्शन पे करिए क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और किसी इनवाइस में दिक्कत हो तो बताइए, सर इनवाइस में किसी में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। नॉर्मली सब सेल करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई नया चीज नहीं है। ठीक, देखिए इनका बी टू बी और बी टू सी की सीरीज नहीं बन पा रही है। देखिए सीरीज बनाने के लिए उस दिन हमने आपको बताया था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और बाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। सेल्स के बगल में जो छोटा सा है प्लस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास कितनी सीरीज पहले से है ना। तो आपको नई सीरीज अगर बनाना है, जैसे मान लो आपके पास मेन है पहले से, तो मेन वाले को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मॉडिफाई करके उसका नाम रख दिया बी टू बी या बी टू सी रख दिया। नया बनाना है अगर आपको, तो सेल वाले को सेलेक्ट करके ऐड न्यू पे आ जाइए और यहाँ पे आप उसको नाम दे दीजिए। जैसे हमें बी टू बी बनाना है तो हमने लिख दिया बी टू बी, हमने न्यू लगा दिया क्योंकि हमारे पास बी टू बी पहले से बना हुआ है, हमने कर दिया सेव। तो देखो ये बी टू बी न्यू के नाम से आ गया। इसको सेलेक्ट करके फिर आपको चले जाना है वाउचर नंबरिंग में और इसको कर देना है ऑटोमेटिक, यहाँ पे कर लेना ईयरली और प्रीफिक्स में, चूंकि बी टू बी का है इसलिए आप यहाँ लगा देंगे बी टू बी, एक डैश अपनी तरफ से लगा देंगे और इसको कर देंगे ओके और फिर इसको कर देंगे यस। बात समझ आ रहा ना? सर दिखेगा अगर आपको यहाँ सेल्स पे क्लिक करने पर यहाँ दिख रहा है, अगर यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है तो यहाँ दिखेगा, और यहाँ नहीं दिख रहा है यानी आपने सेव नहीं किया। जैसे मान लो आपने यहाँ क्लिक किया, ऐड न्यू पे क्लिक किया, सीरीज का नाम दे दिया लेकिन सेव नहीं किया, तो भी ये दिक्कत आती है। इसे मैं डिलीट करना है तो हमने सेलेक्ट कर लिया और डिलीट सीरीज पर क्लिक कर दिया और कर दिया यस। यहाँ पे अगर दिखेगा तो वहां पर भी दिखेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दिखे और वहां पे ना दिखे। यहाँ नहीं दिख रहा है तो क्लिक करके आप बना लिए, क्लिक करके ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक। ठीक है, और इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। हो जाएगा ना? तो ये सेल्स वाउचर की सीरीज बनाने का तरीका है, सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन करिए आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हर महीने आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और वो रिपोर्ट होगा जीएसटी का रिपोर्ट। ठीक है, हर महीने आपको बना के देना रहेगा जीएसटी का रिपोर्ट। तो जीएसटी में दो तरीके का रिटर्न होता है, एक होता है जीएसटीआर 3B और दूसरा होता है जीएसटीआर 1।
जीएसटीआर 3B जो होता है वो परचेज और सेल्स की समरी होता है। जीएसटीआर 3B से आपको ये पता चलता है कि आपको इस महीने टैक्स जमा करना है या नहीं, और जमा करना है तो कितना। ये सब रिपोर्ट्स आपको दिए गए हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद एक ऑप्शन आता है जीएसटी रिपोर्ट्स, और जीएसटी रिपोर्ट्स में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जीएसटी रिटर्न। ठीक है, रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा जीएसटीआर 3B। आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे आप मंथ का पहला डेट भरेंगे 1 से 30, चूंकि ये रिटर्न आपका मंथली जाता है, तो जब भी डेट आपको सेलेक्ट करना रहेगा 1 से 30 रहेगा या 1 से 31 रहेगा, फरवरी 1 से 28 हो सकता है या फिर 1 से 29 हो सकता है, पूरे महीने का डेटा आपको एक साथ निकालना पड़ता है। तो डेट रेंज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि महीने का फर्स्ट डेट और फिर महीने का लास्ट डेट। ठीक है, और इसको करने के बाद आपको करना होता है ओके। ये जीएसटीआर 3B का फॉर्मेट है, ये बना बनाया फॉर्मेट है, जैसा गवर्नमेंट ने फॉर्मेट बनाया है उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर वालों ने भी फॉर्मेट बना दिया। अब इसमें देखिए जो सेल्स का डेटा होता है वो टेबल नंबर 3.1 में आता है, तो दिख रहा है टेबल नंबर 3.1, और इसके ए में आता है। ये मतलब आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, यानी जो आउटवर्ड मतलब सेल्स, जो आपकी सेल्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे। आपकी जो टोटल सेल है वो 1,78,397 रुपए है, और इस पर सी जी एस टी आपका 20,590 है और एस जी एस टी भी 20,590। और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको देखना दिखेगा तो सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे कर देंगे ओके। तो जितना भी आपने सेल किया है वो सारा सेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जितना भी सेल किया है वो सारा सेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा ना, स्केप से हम आ जाएंगे वापस। ये सारा सेल आपको यहाँ पे दिखाएगा जीएसटीआर 3B। दूसरी चीज, जो परचेज आपने किया है वो आपको दिखेगा टेबल नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी में, तो जितना परचेज किया वो सारा परचेज आपको यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी के भीतर दिखाई देगा। ये ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, इस रिपोर्ट को आपको कन्वर्ट करना होता है एक्सेल में या फिर जेएसओएल में, क्योंकि जीएसटी के पोर्टल पर जो डेटा अपलोड होता है वो होता है हमारा कौन सा, जेएसओएन फॉर्मेट। जीएसटी के पोर्टल पर एक्सेल की फाइल अपलोड नहीं होती है, वर्ड की फाइल अपलोड नहीं होती है, टेक्स्ट फाइल नहीं अपलोड होती है, वो केवल और केवल अपलोड होती है हमारा जेएसओएन फॉर्मेट। इसलिए हमारा प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम बीजी में पूरे महीने की अकाउंटिंग करेंगे, 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तक की पूरी अकाउंटिंग करेंगे, और अकाउंटिंग करने के बाद फिर उस डेटा को हम अपलोड करेंगे जीएसटी के पोर्टल पर। तो जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड करने से पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जीएसओएन फॉर्मेट। ठीक है, जब जीएसओएन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो अपलोड करना हमारे लिए आसान। ध्यान समझिए इसके प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहला टास्क ये होता है कि आपको पूरे महीने की अकाउंटिंग कर लेना। नंबर एक आपको क्या करना है, आपको पूरा अकाउंटिंग करना है, यानी आपको पूरे महीने का जितना भी परचेज, सबसे पहले पूरे महीने की परचेज की एंट्री आपको करनी है, कोई एंट्री छूटनी नहीं चाहिए। फिर आपको सेल्स की एंट्री करनी है, सेल्स की एंट्री, फिर अगर कोई क्रेडिट नोट है या कोई डेबिट नोट है उसकी भी एंट्री आपको कर लेनी है। ये तीनों एंट्री आपको कंप्लीट कर लेनी है पूरे महीने। ठीक है, ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं ये आपको बता रहे हैं जीएसटी के रिटर्न का डेटा कैसे बनाना है, जीएसटी रिटर्न का डेटा आपको कैसे बनाना है वो। पूरा महीने का सेल्स का परचेज की एंट्री, यानी महीने में जितना भी खरीद का बिल आ रहा है उसकी एंट्री कर लेनी है, सेल्स की एंट्री कर लेनी है, और क्रेडिट और डेबिट नोट की एंट्री कर लेनी है। इस सेकंड आपको करना ये है,
GSTR 2A का रिपोर्ट डाउनलोड करना। यहां पे लिख दे रहे हैं डाउनलोड रिपोर्ट फ्रॉम आप GSTR 2A फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, किसी को भेज लेते आएंगे। नहीं है वो। अच्छा, श्याम को बुलाइए जरा सर, जो ऑफिस में है।